Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Visible to everyone. क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? Am I audible and visible to everyone? क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? जल्दी से मेरे को बताएंगे yes or no. Geomatics engineering छोड़ दिए? नहीं, geomatics engineering नहीं छोड़े हैं. एक special class लेंगे. केवल एक topic बचा हुआ है बेटा. एक special class लेंगे और खत्म हो जाएगा geomatics engineering. ठीक है? एक special class की जरूरत है बस उसको. ठीक है? सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं. तो बाकी सबको आने दो जब तक आते हैं. ठीक है, तब तक हम अपनी बातों को शुरू करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं कौन हूं पहले ये आपको बता देता हूं. तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता या पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो दिस इज मी प्रतीक मिश्रा. टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट. अभी तक 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूं. दिस इज माई टीचिंग एक्सपीरियंस एंड दीज आर फ्यू ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स. ठीक है, अगर यहां पे बात करेंगे तो प्रतीक 101 ये है मेरा कोड. और मैं हमेशा बोलता हूं दिस इज नॉट ओनली द कोड, दिस इज द बॉन्ड जो आपके और मेरे बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है. ठीक है, ये बात समझ में आई? कब होगा? थोड़ा समय को फ्री होने दो. मतलब आज अगर आप देखोगे तो आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 5.5 hours क्लास इन 5.5 hours ने, यू कैन से 2, 3, 4, 4.5 hour क्लास ऑफ स्पेशल. नाउ आई एम टेकिंग यूट्यूब सेशन. कैन यू सी, कैन यू इवन इमेजिन, आई एम टेकिंग क्लासेस ऑफ 6 to 7 hours डेली. तो थोड़ा सा फ्री होने दो, बिल्कुल ले लेंगे. ठीक है, चलिए आइए तो आगे बात करते हैं. दिस इज माई फर्स्ट क्लास. ओके, तो मैंने बोला अगर आप यहां पे बात करेंगे तो ये जो 10% आपको दिखता है, मैं हमेशा बोलते आया हूं दिस इज, अगर आप प्लस कोर्स के लिए कभी भी जाएंगे तो
तो आपको ये 10% ऑफ मिलेगा यूजिंग दिस कोड. लेकिन मैं हमेशा बोलते आया हूँ, दिस इज ऑल अबाउट मेंटोरशिप. पूरा गेम मेंटोरशिप का है. आप किसके गाइडेंस में अपने जर्नी को स्टार्ट करते हो, इट इज 10% का गेम ही नहीं है ये. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई. मतलब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दो टाइप के पेड इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलते हैं. वन इज प्लस कोर्स एंड वन इज आइकॉनिक कोर्स. तो प्लस में आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं, और साथ में मिलता है आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच. मतलब अगर आप आइकॉनिक की बात करते हो तो जो जो चीज़ें आप प्लस में लेते हो वो तो मिलती है, साथ में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, आपको स्टडी प्लानर सेशन मिलता है, आपको स्टडी बूस्टर सेशन मिलता है, और साथ में मिलता है आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस. ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई. मैंने बोला अगर यहाँ से बात करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने बोला अभी कभी भी आपको अगर प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स के लिए जाते हो तो यू शुड यूज दिस कोड प्रतीक 101 इज द कोड. ठीक है, व्हाट यू शुड हैव टू डू, यू शुड यूज दिस कोड प्रतीक 101. मैंने नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो मैंने बोला यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे ये प्लस के लिए पेड, जो प्लस के लिए फीस स्ट्रक्चर है वो है 12 मंथ के लिए दिस इज द फीस, 18 मंथ के लिए दिस इज द फीस, एंड 24 मंथ के लिए दिस इज द फीस. तो आपको लगता है कभी भी जिस भी कोर्स के लिए जाना चाहिए, यू कैन गो फॉर दैट क्लास. मैंने बोला अगर आपको लगता है आइकॉनिक कोर्स चूज करना चाहिए तो दिस इज द फीस फॉर आइकॉनिक कोर्स. मैंने यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है अनअकैडमी में. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कोर्स के लिए पहले ही प्लान आउट कर लीजिए कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो. मैंने बोला जैसे आपके लिए एक और आस्क का डाउट बहुत गजब का फीचर्स आया है. इस आस्क का डाउट फीचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मैंने बोला इस आस्क का डाउट फीचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जस्ट गिव मी वन सेकेंड प्लीज, गिव मी वन सेकेंड प्लीज. ठीक है, तो मैंने बोला इस आस्क का डाउट फीचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड डाउट्स देखने को मिलेंगे आपको. आपका कोई भी क्लास में मतलब आपका आपको डाउट के टाइम पे किसी भी टाइम पे आप डाउट पूछ सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पूछ सकते हो, और आपको यहाँ पे होमवर्क असिस्टेंस देखने को मिलेगा. मैंने नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आपको आरोहण बैच देखने को मिलेगा. दिस आरोहण बैच इज फॉर 22nd September से आपके लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली दिस इज दी ओनली इंग्लिश बैच, इफ यू आर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये 10 years के पेपर आप लोगों के लिए साथ डिस्कस होंगे यहाँ पे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल क्लासेस में. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातों को. तो सब लोग रेडी हैं जरा एक बार मेरे को बता देंगे तो फिर हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे. जल्दी से एक बार मेरे को बता दीजिए, यस सब लोग रेडी हैं तो फिर हम अपनी बातों को शुरू करेंगे. तो मैंने देखना जरा यहाँ से मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाह रहा था. मैंने देखिएगा जरा यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, बस एक सेकेंड दीजिए. ये रहा क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. पहला क्वेश्चन आपके कोई भी काम का नहीं है. इसको मैं पहले मिनिमाइज करता हूं, तो आपके लिए थोड़ा सा टाइमर के साथ करेंगे क्वेश्चंस को, टाइमर्स के साथ करेंगे क्वेश्चन को. आई हैव टेकन योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेक्चर, दैट वॉज माई ऑसम लेक्चर एवर. ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. ठीक है, सब लोग रेडी हैं जरा एक बार मेरे को बता दो थम्स अप करके. सब लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट करेंगे अपने अपने क्वेश्चंस को. सब लोग रेडी हैं, कम ऑन गाइस जल्दी से बता दीजिए. सब लोग रेडी हैं सर, आप अपने बारे में मत बताइए, आपकी प्रेजेंस बहुत है हम लोगों को, आपके कौन नहीं जानता है. बेटा मेरे बारे में बताना नहीं बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है. ठीक है, स्टार्ट करें जल्दी से एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए. सब लोग रेडी हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बातों को. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातों को. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जस्ट मेक इट फुल टू विड्थ. ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आपका समय शुरू होता है अब. 30 seconds का टाइम है आपके पास, 30 seconds का टाइम है आपके पास, और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 30 seconds का टाइम है, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे.
सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है अब, आपका समय समाप्त होता है अब। तो चलिए आइए स्टार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए आप क्या करना, जैसे ही आपको SSD पूछा है, जब से जैसे ही आपको SSD पूछा है तो आप क्या कर लेंगे, VT प्लस V स्क्वायर बाय 2GF बोल दिया आपने, VT प्लस V स्क्वायर बाय 2GF बोल दिया आपने। ठीक है सर, अब देख लेते किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, देख लेते किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। बोला रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर पर डिपेंड करता है, अरे सही बात बोल दिया ये तो। बोला स्पीड ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करता है, अरे सही बात बोल दिया ये तो, दो ही सही हो गए तो भी आप बोल सकते हो डी, है ना। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पे कैसे डिपेंड करता है, तो मैंने बोला आपको ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला है कि ये जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है और जो फ्रिक्शन है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी प्लस लेग डिस्टेंस। गलत लिख दिया निमिषा, निमिषा गलत लिख दिया है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं होता है वो, ये होता है SSD। ठीक है, ठीक है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने नेक्स्ट बात करते हैं तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मिनिमम डिजाइन डिजाइन, ये लीजिए 30 सेकेंड्स आप लोगों के पास, याद करने वाला क्वेश्चन है ये तो, याद करने वाला क्वेश्चन है ये तो। The minimum design speed for hairpin bend in hill road is taken as, come on everyone, bahut umda, bahut umda, theek hai, time up। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हेयर पिन बैंड लिखा हुआ है ये, हेयर पिन बैंड लिखा हुआ है ये, तो ये पिन बैंड, तो याद कर लो इसको, आज के बाद कभी भी बोलेगा आपसे कि मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर अ हेयर पिन बैंड, किसी भी हेयर पिन बैंड के लिए डिजाइन स्पीड क्या होगी, तो आप याद रखेंगे इस बात को कि हेयर पिन बैंड्स के लिए जो डिजाइन स्पीड कंसिडर करी जाती है इन हिल रोड इज गिवन एज 20 km/h। ठीक है, तो अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको आंसर कर लेंगे, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको आंसर कर लेंगे। तो 20 km/h इज द आंसर, ठीक है, 20 km/h इज द आंसर। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और क्वेश्चन हम करी इसीलिए रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप ना एक दिन में 100 क्वेश्चन खुद करते तो आप उस 100 क्वेश्चन में से केवल 30 क्वेश्चन को रिटेन कर पाते जो आपको याद करना होते, लेकिन अगर वही 60 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उस 60 में से आपको हो सकता है 40 क्वेश्चन रिटेन कर जाएं। तो आप सोचो 100 में से आपको 30 याद रह रहे थे और 60 में से मैं अगर आपको 40 याद करवा दूंगा तो कौन ज्यादा बेटर। तो मैं आपको यही चाहता हूं और यही सिखाना चाह रहा हूं करके कैसे भी, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं, तो मैंने बोला देखिएगा जरा यहां पे नेक्स्ट जो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC इज डैश, रूलिंग डिजाइन स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। गलत लिख दिया उसने आंसर में, ये वैल्यू 100 लिखी हुई है, 1000 नहीं है, ये वैल्यू 100 है, 100 है ये वैल्यू। टाइम अप, तो जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आए हैं सब लोगों के। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग सी भी लिख रहे हैं और कुछ लोग डी लिख रहे हैं, कुछ लोग सी लिख रहे हैं, कुछ लोग डी लिख रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग सी लिख रहे हैं ना वो भूल गए हैं कि हम ना अपने जो भी डिजाइन स्पीड रहती थी उसको दो तरीके से देखते थे, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन देखते हैं और दूसरा हिली टेरेन देखते हैं।
तो मैंने बोला हिली टेरेन पे अगर वो डिजाइन स्पीड बोलता तो आप 80 लिखते, लेकिन अगर वो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन पे अगर आपसे बात कर रहा है तो उसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर 100 kmph. तो ये 80 किसके लिए होता? तो अगर ये आपसे हिली टेरेन बोल देता, इस नेशनल हाईवे ऑन इन हिली टेरेन बोल देता, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाता? ये वैल्यू आपका 80 हो जाता. अगर ये हिली टेरेन बोलता इसकी जगह, तब जाके आपका करेक्ट आंसर जो होता वो 80 होता. अभी प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए अगर बात करेगा तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए योर करेक्ट आंसर वुड बी 100 kmph. ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 100 kmph हो जाएगा. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई. अगर ये बात आपके समझ में आती है तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फॉर अ सैंडी सॉइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन. आपका समय शुरू होता है अब, और आपका अब समय शुरू होता है अब. इसको पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं, बस आप इसको देख सकते हैं. अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, वो वाली बात है इसमें. तो समय समाप्त, 30 सेकेंड इज मोर देन एनफ फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगर आपसे यहां पे पूछा जाएगा कि फॉर अ सैंडी सॉइल के लिए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है, तो मैंने मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन फॉर सैंडी सॉइल इज मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. तो अगर यहां पे आपसे कभी भी बात करेगा कि एक सैंडी सॉइल के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है, तो आप बोलेंगे मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. ठीक है, तो अब आप इस बात को भी याद रखेंगे कि फॉर अ सैंडी सॉइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आई. तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. टू अवॉइड ओवरटर्निंग ऑफ बुलक कार्ट्स ऑन अ कर्व द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रिकमेंडेड बाय IRC इज क्वेश्चन मार्क. देखिए क्या आंसर है. तेजस, मैं बहुत बुरा हूं यार इन सारी चीजों में, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और ये वो सब कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आता है. अच्छा, ए और सी सेम है, ए और सी आंसर भी नहीं है. ठीक है, ए और सी सेम है तो ए और सी आंसर भी नहीं है. तो क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए, क्या आंसर आ रहा है? कुछ लोगों ने बोला बी, कुछ लोगों ने बोला ए, और कुछ लोगों ने बोला ए और सी सेम है. चलिए आइए चेक करते हैं क्या बात हो रही है. चलिए आइए चेक करते हैं. तो ये बोल रहे टू अवॉइड द ओवरटर्निंग द बुलक कार्ट ऑन अ रोड कर्व द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रिकमेंडेड बाय IRC इज. तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, टू अवॉइड ओवरटर्निंग ऑफ अ बुलक कार्ट ऑन अ रोड कर्व्स, अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रिकमेंडेड बाय IRC की बात करेगा, तो मैंने बोला ध्यान से देखते हैं यहां पे क्या क्या सुपर एलिवेशन हम लोगों को दे रखे हैं. ठीक है, तो मैंने बोला ये बुलक कार्ट की बात कर रहा है. आज भी जियोमेटिक्स की क्लास नहीं होगी नेगी, जियोमेटिक्स की क्लास जो होगी, सुनो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं अमित नेगी, कल जियोमेटिक्स की क्लास 4 बजे, जो फाइनल टॉपिक बचा हुआ है उसको आके पढ़ लो 4 बजे स्पेशल क्लास पे. ठीक है, तो कल 4 बजे उसको कर देते हैं फिनिश. उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा जियोमेटिक्स में, मतलब आपका उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, एरियल फोटोग्रामेट्री के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. ठीक है, आप सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ा चुके हैं, इसी चैनल पे आपको सॉइल मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा. बता दिया मैंने अमित तुम्हारे लिए बताया ये. तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे क्या बात कर रहा है, टू अवॉइड द बुलक कार्ट, टू अवॉइड द ओवरटर्निंग ऑफ अ बुलक कार्ट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं. तो आपको पता है कि अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एज पर IRC अगर आप बात करते हो, मतलब एक सेकेंड दो, मतलब एज पर IRC अगर आप बात करते हो और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करते हो, तो याद करो वो दिन और मेरे को बताते जाना क्या बात हो रही है. तो अगर मैंने आपसे पूछा कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का एक टेबल बनाते हैं हम लोग, मतलब मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ, तो मेरे को बताइए फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, अगर मैं बात करता हूँ प्लेन टेरेन की बात करता हूँ, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की बात करता हूँ, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की बात करता हूँ,
तो मेरे को बताइए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए मेरे को प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मेरे को बताइए, स्पेशल क्लास पेड कोर्स है क्या? नहीं, स्पेशल क्लास फ्री क्लास रहती है, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव बात होती है हमारी स्पेशल क्लासेस में, हमारी स्पेशल क्लासेस में एक्सक्लूसिव बात होती है कुछ, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को बताइए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन वैल्यू कितना कंसिडर किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो मैंने बोला ये प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए जो वैल्यू कंसिडर किया जाता है इट इज 7%, इट इज 7%। और अगर 7% की बात करूंगा तो ये 7% कितना होता है, तो मैंने बोला अगर मैं 7% की बात करता हूं तो 7/100 मैंने ये वैल्यू होता है आपका, मैंने ये वैल्यू कितना हो जाता है 1/15। तो मैंने अगर यहां से 7% के लिए देखोगे तो ये वैल्यू देखने को मिलेगा आपको 1/15, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में है, 7% मतलब 1/15 देखने को मिलेगा, 1 in 15। मैंने सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड मैं आपसे बात करता हूं हिली टेरेन के लिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हिली टेरेन के लिए ये वैल्यू कितना हो जाता है, तो आपने बोला सर हिली टेरेन के लिए ये वैल्यू हो जाता है 10%। 10% की अगर मैं बात करता हूं तो ये 10% कितना बोलता है, ये 10/100, और 10/100 मतलब 1 in 10, 10/100 मतलब 1 in 10। और मैंने बोला जब मैं आपसे अर्बन रोड के लिए बात करता हूं, जब मैं आपसे अर्बन रोड के लिए बात करता हूं तो अर्बन रोड के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है, तो अर्बन रोड के लिए ये जो वैल्यू होती है, अर्बन रोड के लिए ये जो वैल्यू देखने को मिलती है आपको, दिस वैल्यू फॉर अर्बन रोड इज 4%। 4% मतलब 1 in 25 आपको देखने को मिलता है, 1 in 25 आपको देखने को मिलता है। तो मैंने बोला ये बुलक कार्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने इसको ये माना है कि ये अर्बन रोड के लिए भी बात नहीं हो रही है, और हिली टेरेन कहीं बोला नहीं है तो हिली टेरेन के लिए भी बात नहीं हो रही है, तो ये बात हो रही है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। एंड फॉर द केस ऑफ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 in 15 आ जाएगा। तो मैंने ना इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको वो बी देखने को मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है, क्या ये बात सबको समझ में आई है, क्या ये बात सबको समझ में आई है? तो हमने बोला कि जब आपसे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करेंगे और जब भी आपसे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के बाद हिली टेरेन की बात करेगा, मैंने बोला जब भी आपसे बात कर रहा है तो ये प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की बात कर रहा है, और उस केस के लिए ये वैल्यू 1 in 15 हो जाएगी, ठीक है। ठीक सर, ये बात तो समझ में आया। ओ आई साहब क्या बात कर रहे हो, कौन सी एग्जाम थी ये, क्या ही तो बात है, मजा आ गया सुन के ही मजा आ जा रहा है, करके सुन के मजा आ गया। कौन सी थी ये बात सर, आज बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था। मतलब कैसा था ये एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, क्वेश्चन और इंटरव्यू था, क्या था ये, 10 में से 10 भाई साहब, क्या तो बात है यार, क्या ही तो बात है, मजा आ जा रहा करके, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो, कहीं तो कोई प्रूव कर रहा है, ये बात तो तय है, बस पता चलते रहे, पढ़ाते रहेंगे। बोला थैंक यू ब्रो, थैंक यू, मजा आ गया यार कसम से, ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, बहुत ही जोरदार। चलिए आइए अगली बात करते हैं, चलिए आइए अगली बात करते हैं। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन ग्रुप ऑफ ब्लैक टॉप रोड। ये लीजिए क्वेश्चन शुरू होता है आपका अब, अब गेट की बारी है भाई, तगड़ा तगड़ा तगड़ा। बहुत बढ़िया, हो गया टाइम आपका, टाइम अप। एक बच्चा पूछ रहा है स्पेशल क्लास कब किधर होती है, तो मेरे लाल आप ना क्या करो, एक ग्रुप ज्वाइन करो, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। इस टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है, इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यूए प्रतीक सर, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यूए प्रतीक सर। यहाँ पे ना मैं अपने जो भी मेरी क्लासेस होने वाली होती है उसका लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ना क्लासेस दिख जाएगी। एल्स अभी ही देखना है, रात में ही देखना है तो क्या करना है, आपको अभी ही देखना है। और अगर रात में ही देखना है तो आपको क्या करना रहेगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इसके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वहां लिखा होगा
टू फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर और मेरा नाम लिखा होगा प्रतीक समथिंग करके, उस पर क्लिक करोगे तो मेरी प्रोफाइल पर चले जाओगे। फिर मैंने जितनी भी स्पेशल क्लासेस पढ़ाई है वो सारी दिख जाएगी आपको। हाइड्रोलॉजी में भी गजब था। अरे यार ऐसे कैसे चलेगा, कहीं पर चूकना नहीं है। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, गेट के लिए वेट करो, मजा आएगा। तब तक जो भी लगा ऐसा कि कुछ भी मिस हो गया आपसे पढ़ना, या आपको ऐसा लगा कि किसी भी पॉइंट पे वीक रह गए हो, तो उस पॉइंट को स्ट्रांग करो। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जो भी आपने एग्जाम दी है उससे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ अब मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि मेरे को चीज़ें याद भी रह गई हैं और मेरे को चीज़ें पढ़ाई भी ऐसी गई हैं कि मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रस्ट भी आएगा। तो अब मैं जब भी क्वेश्चन कराऊंगा या कुछ भी रहेगा तो आप उसके पार्ट रहोगे और आपको ये फील होगा कि हाँ ठीक है, हम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यही चाहिए करके, एक बार अगर करेक्ट डायरेक्शन में चल गए और दौड़ गए उसमें, तो फिर तो हमको कोई नहीं रोक सकता है, फिर हमको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ठीक। तो चलिए आइए यहां पर बात करते हैं। तो उन्होंने बोला, द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन द ग्रुप ऑफ ब्लैक टॉप पेवमेंट। तो यहां पर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। अगर ब्लैक टॉप पेवमेंट की बात करेंगे तो बिटुमिनस कॉन्क्रीट इज द बेस्ट बेस्ट थिंग फॉर ब्लैक टॉप पेवमेंट। ठीक है, बिटुमिनस कॉन्क्रीट इज द बेस्ट थिंग फॉर द ब्लैक टॉप पेवमेंट। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आई। मतलब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड अलोंग द कर्व विथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड अलोंग विद द कर्व, अलोंग विद द कर्व, कौन सी पार्किंग के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे। किसके लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। किसके लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी पार्क्ड अलोंग द कर्व की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला जैसे जैसे एंगल कम होते जाएगा वैसे वैसे आपकी पार्किंग की स्पेस बढ़ती जाएगी, या मैंने जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके पार्किंग का नंबर ऑफ पार्किंग बढ़ते जाएगी। जैसे कि कैसे देखते हैं, तो मैंने बोला जैसे कि ऐसे देखते हैं। देखो जरा यहां पे सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका कर्व है, ध्यान से देखते जाना मैं जो बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि मानते हैं ये आपका कर्व है, अब आप इस बात को कभी नहीं भूलोगे। तो मैंने बोला ये मान लो ये आपका कर्व है, अब जैसे जैसे मैंने आपको क्या बोला है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको ये वैल्यूज दिखते जाएगी। तो मैंने बोला अगर ये कर्व है और मैंने बोला मान लो आप यहाँ पे तो पैरेलल पार्किंग नहीं लिखा हुआ है, मैं आपसे बोलता यहाँ पे पैरेलल पार्किंग भी लिखा होता, पैरेलल भी लिखा होता, पैरेलल पार्किंग भी लिखा होता, तो पैरेलल पार्किंग आपको क्या शो करता है, ध्यान से देखिएगा पैरेलल पार्किंग आपको क्या शो करता है। तो अगर मैं आपसे पैरेलल पार्किंग की बात करता हूं तो ध्यान से देखिए ये है आपका पैरेलल पार्किंग, मतलब ध्यान से देखिए ये है आपका पैरेलल पार्किंग, ये आपका पैरेलल पार्किंग। तो मैंने बोला जब हम बात करेंगे पैरेलल पार्किंग और अगर इस यूनिट लेंथ की बात करेंगे, अगर इस यूनिट लेंथ एल की बात करेंगे, अगर ये एक किलोमीटर है, तो अगर आप इसके कर्व के पैरेलल अगर गाड़ियां लगाओगे तो आप देखोगे कि आपकी बहुत ही कम गाड़ियां यहां पे लग पाएंगी, तो आप देखोगे यहां पे बहुत ही कम गाड़ियां लग पाएंगी। इसके बाद क्या करोगे आप, इससे 30 डिग्री एंगल पे अगर गाड़ियां पार्क करोगे, तो मैंने बोला ये तो पैरेलल पार्किंग में मिनिमम नंबर ऑफ पार्किंग्स हो पाएंगी, मतलब पैरेलल पार्किंग में मिनिमम नंबर ऑफ पार्किंग हो पाएगी। उसके आप बोलते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि हम 30 डिग्री पे गाड़ी पार्क करेंगे। जब आप 30 डिग्री पे गाड़ी पार्क करते हो तो हमको क्या चाहिए रहता है कि जब यहाँ पे दूसरी गाड़ी पार्क हो, जब यहाँ पे दूसरी गाड़ी पार्क हो 30 डिग्री पे, तो हमको ना एक स्पेस छोड़ना पड़ता है, इसको मैनोवर बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे स्पेस स्पेस ड्रॉप करना पड़ता है। अब ये देखो मैंने बोला यहाँ पे एक लिमिटेड स्पेस, मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट पार्किंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बोला आपको इसके आसपास इतना स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो आप देखोगे कि ये स्पेस यहाँ जा रहा है तो आपको इसको और इधर करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते जब आप लगाओगे, तो मैंने बोला आप 30 डिग्री के लिए लगाओगे पहले,
फिर आप 45 डिग्री के लिए लगाओगे, फिर आप 60 डिग्री के लिए लगाओगे और लास्ट आप 90 डिग्री के लिए गाड़ियां पार्क करके देखोगे। तो जब आप लास्ट में 90 डिग्री के लिए गाड़ी पार्क करके देखोगे तो आपकी 90 डिग्री की जो पार्किंग हो रही होगी वो 90 डिग्री की पार्किंग ऐसे हो रही होगी। अब अगर आपको इसके आसपास स्पेस भी चाहिए, अगर आपको इसके आसपास मैनोवर भी चाहिए, तो आपको ये जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैनोवर चाहिए कि जितने में आप निकल भी जाओ गाड़ी से, तो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे कम रहता है कंपैरेटिव, क्योंकि इसके भी गाड़ी का डिस्टेंस आएगा। तो देखो जरा यार, और ये दोनों ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। तो अब आपको इससे ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, इसको और खिसकाना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते मैंने बोला जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ पार्किंग बढ़ते जाती है। तो मैंने बोला 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्किंग मिलेगी अलोंग द कर्व, आप बात करते हो तो कर्व से अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्किंग की बात करिए तो आपको 90 डिग्री पे देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। चलिए आइए अगली बात करते हैं, चलिए आइए अगली बात करते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर द सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट इज। अरे भाई ये तो कल ही देखा है हमने क्वेश्चन, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए सब लोगों का, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए सब लोगों का। This much time is enough. 20 second is more than enough. 20 second is more than enough. Straight line. बहुत बढ़िया। तो straight line is the answer. ठीक है, repeat हुआ है कल वाला question. बोला shape of the camber best suited for the cement concrete pavement is. इसका मतलब है किसी साल में ये question वापस से पूछा गया है, क्योंकि मैंने जो question type होने दिए थे वो year wise दिए थे, मैंने question नहीं देखे थे, मैंने तो year wise type होने दे दिए और फिर directly उनको board पे देख रहा हूँ। तो मैंने यही देखा कि अब आपने देखा कि उनको तो पता ही नहीं रहता है क्या ट्रांसपोर्टेशन और क्या टाइप कर दिया, उनके हिसाब से तो काला अक्षर है बस उसको टाइप करना है, तो उन्होंने टाइप करके दिया, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा द कैमर ऑफ द रोड शुड अप्रोक्सीमेटली बी, सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 11 कल वाला क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन सेम, कल वाला क्वेश्चन फिर से एक और क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर से एक और क्वेश्चन रिपीट हो गया, बहुत ही उम्दा। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि फिर से एक और क्वेश्चन रिपीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने जिन्होंने कल नहीं देखा था, जिन्होंने कल नहीं देखा था वो देख लो अभी एक बार, कि उन्होंने अगर ये बोला आपसे द कैम्बर ऑफ द रोड शुड अप्रोक्सीमेटली बी, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पर कैम्बर का मतलब होता है सॉरी लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब होता है रूलिंग ग्रेडियंट, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब होता है रूलिंग ग्रेडियंट, और रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है, रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है। तो मैंने कोई भी आपसे कैम्बर के बारे में बात करेगा तो कैम्बर को आप बोल पाओगे कैम्बर इज रूलिंग ग्रेडियंट बाय टू, कैम्बर इज रूलिंग ग्रेडियंट बाय टू। तो मैंने ना यहां से अगर आपसे बात करेगा तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो कल नहीं थे, ये उन लोगों के लिए जो कल नहीं थे। ठीक है, तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन देखिए डिस्क सिग्नल, मतलब ये रेलवे का क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो आंसर अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, अपने हिसाब से आंसर ट्राई कर सकते हो, ताकि ऐसा हो कि अगर आप कभी पढ़ना भी भूल जाओ तो आपको याद रहे कि डिस्क सिग्नल इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ, डिस्क सिग्नल क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चाहो तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, मेरे पास आंसर है तो मैं बता दूंगा आंसर क्या होता है। ठीक है, डिस्क सिग्नल क्यों यूज किया जाता है, इट इज फॉर द प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ, आप एक बार ट्राई कर लो अपना अपना आंसर, आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए डिस्क सिग्नल के लिए। तो मैं बता देता हूं इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज शंटिंग। डिस्क सिग्नल किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब डिस्क सिग्नल शंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब डिस्क सिग्नल इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ शंटिंग, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने ठीक है, शयान मॉन्डल ने आंसर किया है शंटिंग, ठीक है शंटिंग इज द राइट आंसर। तो अब आपको याद भी रहेगा कि मैंने करवाया था कभी, और आपसे मिस भी नहीं होगा अगर आपने कभी, अब कभी आप रेलवे पढ़ना भूल गए और एग्जाम में रेलवे का क्वेश्चन आता है और इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहेगा।
रेलवे के क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन मैं रेलवे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना अभी आपको पूरा, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता है और मैं कंसेप्ट बताने जाऊंगा तो इट विल टेक टाइम। मैं ऐसा करूंगा, हाँ, इवन डोंट नो व्हाट अ डिस्क सिग्नल इज, यही तो प्रॉब्लम है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, मैं आंसर दिखा दे रहा हूं और मैं आंसर बता दे रहा हूं। तो आप अभी कभी ऐसा हो कि आप एग्जाम में देखते हो तो आपको पता रहे करके कि क्या आंसर है। ठीक है सर, चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं तो एटलीस्ट आपके लिए आइडिया रहेगा। गेज ऑफ अ रेलवे, अरे कल वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे आंसर। गेज ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज मेजर्ड बाय, तुमको पता है लास्ट टाइम मैंने रेलवे कब पढ़ाया था, आज से एक साल पहले पढ़ाया था रेलवे मैंने, और रेलवे तब से नहीं पढ़ाया, तो बहुत सारी बातें मेरे से भी स्किप हुई होगी ऑब्वियसली। मैं तो हमेशा बोलता हूं रिविजन इज द की। ठीक है, रेलवे कब लेने वाले हो आप? आपके यूपीपीएससी के एग्जाम के पहले ले लूंगा मैं रेलवे, आपको परेशान नहीं होना है। यूपीपीएससी के एग्जाम के पहले मैं आपको रेलवे पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी मैं घर जाऊंगा 3 दिन के लिए, उसके बाद आते से ही जैसे ही आपको देखूंगा तो मैं रेलवे पढ़ा दूंगा। बीएस का आंसर रेलवे ट्रैक के बारे में, गेज ऑफ अ रेलवे के बारे में बात करता है। तो गेज ऑफ अ रेलवे इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस। जिन लोगों ने कल नहीं देखा था या जो लोग कल गोची मार गए थे उन लोगों के लिए बता देता हूं, तो ये होता है आपका रेल्स, मतलब ये होता है आपका रेल्स, ये होता है आपका रेल्स, मतलब यहां पर भी आपको एक रेल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रेल जिसको आप बोलते हो वो छुक छुक गाड़ी, वो रेल नहीं होती, रेल होती है पटरी। ठीक है, तो ये है रेल्स, और मैंने ना इन दोनों के बीच का जो इनर डिस्टेंस रहता है, इनर टू इनर डिस्टेंस रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं गेज डिस्टेंस। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीजर क्रॉसओवर बिटवीन पैरेलल रेलवे ट्रैक कंटेन्स। देखो जरा, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, अब इसमें मेरे को आपको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, ये सब कुछ बताना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि अभी आप सिर्फ देख लो, आपको जो लगता है आंसर मेरे को बता दो, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं, ताकि आप कभी पढ़ना भी भूल जाओ तो एक्सेप्शनली आपको अगर आंसर याद रहता है तो दैट इज गुड, आप एक मार्क्स गेन कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है आपके अकॉर्डिंग। पॉइंटिंग, क्रॉसिंग, सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा यार, बहुत दुखदाई है। ठीक है, मैं बता देता हूं इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इट इज अ डायमंड क्रॉसओवर। मैंने जो आपको करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इट इज अ डायमंड क्रॉसओवर। ठीक है, तो मैंने बोला सीजर क्रॉसओवर में बोला, एक सीजर क्रॉसओवर बिटवीन टू पैरेलल रेलवे कंटेक्स ट्रैक्स कंटेन्स अ डायमंड क्रॉसओवर। ठीक है, तो इट इज अ डायमंड क्रॉसओवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे क्रीप ऑफ रेल विल बी मोर इफ, रेलवे में क्रीप आपको कब देखने को मिलेगा? तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, 3 मार्क्स इन ए। ठीक है, तो मैंने बोला क्रीप ऑफ रेल्स विल बी मोर इन, डबल लाइन आर प्रोवाइडेड सेपरेटली फॉर अप एंड डाउन ट्रैफिक, स्टीम लोकोमोटिव्स आर यूज्ड, देयर आर मोर एक्सप्रेस ट्रेन्स इन द सिस्टम, वुडन स्लीपर आर रिप्लेस्ड बाय स्टील स्लीपर्स। ओके, तो देखो जरा इसका क्या आंसर है, क्रीप ऑफ रेल विल बी मोर। पढ़ा नहीं है तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आप मेरे को सजेस्ट करिए, आप में से जो भी वोटिंग हो जाएगी उसको मैं मान लूंगा। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम रेलवे, नो, ऑल क्वेश्चंस नॉट फ्रॉम रेलवे। आप मेरे को सजेस्ट करिए अभी मैं कराऊं या नहीं कराऊं रेलवे के क्वेश्चन। मेरे को लगा कि एक बार देख लोगे तो शायद आपके लिए कभी हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने कराने लग गया। लेकिन आप मेरे को सजेस्ट करो कराऊं कि नहीं कराऊं। तो अगर आपको केवल ट्रांसपोर्टेशन देखना है, हम ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं फटाफट। आप मेरे को सजेस्ट करो क्या चाहते हो। सर ऊपर से जा रहा है रेलवे, नहीं पढ़ाए सर। चलो ठीक है, अगर नहीं पढ़ाए तो नहीं कराते। ठीक है, नहीं पढ़ाए तो नहीं कराते। इसका आंसर जो है डबल लाइन रेलवे है, डबल लाइंस प्रोवाइडेड सेपरेटली अप एंड डाउन फॉर ट्रैफिक। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखना जरा यहाँ पे,
ये भी रेलवे, ये भी रेलवे, ये भी रेलवे, रेलवे मोस्ट सीवर ग्रेडियंट, स्लिपर डेंसिटी, कैंटेड एफिशिएंसी, व्हेन टू इक्वली इंपॉर्टेंट रूट्स रफली एट राइट एंगल द सुटेबल शेप ऑफ सेंट्रल आइलैंड। ये लीजिए, सॉल्व करिए। आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, रेलवे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला बेटा आपने अगर डीएफसी से वो क्या बोलते हैं, अगर आपने वो फॉर्म फिल कर रखा है, क्या बोलते हैं, अगर आपने यूपीपीएससी फिल कर रखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रेलवे सॉल्व कराऊंगा और मैं आपका रेलवे का डर दूर कर दूंगा, बस खुश। आपके एग्जाम के पहले मैं आपको रेलवे करा दूंगा, आपके एग्जाम के पहले मैं आपको रेलवे करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर बात करेंगे तो देखो जरा, यहां पर उन्होंने बोला है कि टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड क्रॉस रफली एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो जब भी दो इक्वली इंपॉर्टेंट रोड, टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड अगर क्रॉस कर रही होगी, टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड अगर क्रॉस कर रही होगी राइट एंगल पे एक दूसरे को, राइट एंगल पे एक दूसरे को, तो आपको किस टाइप की रोटरी चाहिए? तो आप बोलेंगे हमको सर्कुलर रोटरी चाहिए, आप बोलेंगे हमको सर्कुलर रोटरी चाहिए। ठीक है सर, मैंने बोला आप मेरे को ये बताइए, मैंने बोला आपको ये बताइए कि अगर सिंगल, अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक इक्वल एक इंपॉर्टेंट रोड है और एक सब्स्टिट्यूट रोड है, तब आप कैसी रोटरी प्रोवाइड करोगे जरा ये बताओ। मैंने आपसे पूछा, इसका आंसर तो सर्कुलर है। मैंने आपसे पूछा कि एक इंपॉर्टेंट रोड है और एक ऐसे ही वाहियात रोड है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो किस टाइप का रोड चाहिए रहेगा आपको, किस टाइप का रोड चाहिए रहेगा अगर एक एक जो है वो इंपॉर्टेंट रोड है और दूसरी ऐसे ही वाहियात रोड है, तो किस टाइप का रोटरी चाहिए होगा? तो किस टाइप का रोटरी चाहिए होगा? मैंने बोला उस केस में इलिप्टिकल रोड चाहिए होगा, उस केस में इलिप्टिकल चाहिए होगा। ठीक है, उस केस में इलिप्टिकल चाहिए होगा। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आता है। मैंने ये लीजिए अगली बात करते हैं, ये लीजिए अगली बात करते हैं, इक्विवेलेंट फैक्टर पैसेंजर कार यूनिट। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका, एक सेकंड, एक सेकंड से ऊपर किसी को नहीं लगना चाहिए। Come on everyone, answer करो क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, 30 seconds था आपके पास। आपका जो करेक्ट आंसर है that is A, आपका जो करेक्ट आंसर है equivalent passenger car, equivalent factor of PCU for a passenger car is, एक passenger car के लिए equivalent factor क्या होता है? तो आपको बता, passenger car units में ही तो convert करते हैं, तो अगर car के लिए बात करेगा तो 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर मैं आपसे बात करता जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इससे भी ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये है कि मेरे को बताइए ट्रक या ट्रैक्टर के लिए, अगर मैं बात करता आपसे तो ट्रक या ट्रैक्टर के लिए, ट्रक या ट्रैक्टर के लिए आपका इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होता, पैसेंजर कार यूनिट क्या होती, इक्विवेलेंट फैक्टर फॉर पैसेंजर कार यूनिट फॉर अ ट्रक और अ ट्रैक्टर क्या वैल्यू होती, इक्विवेलेंट पैसेंजर कार, इक्विवेलेंट पैसेंजर कार के लिए मैं आपसे बात करता फॉर अ ट्रक और ट्रैक्टर क्या वैल्यू होती है, जल्दी से बताइए। पोल का ऑप्शन होना चाहिए था यहां भी, यहां नहीं लिखा है पोल, इसलिए मैं चेंज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने लिखा 3, किसी ने लिखा 4, किसी ने लिखा 2, किसी ने लिखा 3, किसी ने लिखा 2, किसी ने लिखा 4, वाहियात आंसर। अभी तक 2-3 लोगों ने करेक्ट आंसर दे पाए भाई साहब। ट्रक के लिए जब भी बात होगी या ट्रैक्टर के लिए जब भी बात होगी तो वो वैल्यू होती है 3, वो वैल्यू होती है 3। फिर से लिख लो, स्टार मार्क बना के लिख लो, ठीक है, स्टार मार्क बना के लिख लो उस बात को। ट्रक के लिए जो होती है, ट्रैक्टर के लिए जो होती है वो होती है 3। ठीक है, तो स्टार मार्क बना के लिख लो कि जब भी ट्रक के लिए बात करेगा
जब भी ट्रक के लिए बात करेगा या ट्रैक्टर एंड ट्रेलर के लिए बात करेगा तो ये पैसेंजर कार यूनिट होती है 3। मैंने बोला मेरे को बताओ स्कूटर के लिए बात कर रहे हो, मतलब मेरे को बताओ स्कूटर के लिए बात कर रहे हो, स्कूटर के लिए वैल्यू बताओ, मतलब स्कूटर के लिए बात कर रहे हो, मोटरसाइकिल पैडल साइकिल स्कूटर के लिए बात कर रहे हो, ये वैल्यू बताओ। कंप्लीट नहीं है बट हम लोग उसको रिज्यूम करने वाले हैं, 60-70% कंप्लीट है बट हम उसको रिज्यूम करने वाले हैं। इसके लिए बताइए, स्कूटर के लिए बताइए 0.5, वेरी गुड। तो ये वैल्यू है 0.5। मैंने बोला स्मॉल बुलक कार्ट के लिए बताइए, मैंने बोला स्मॉल बुलक कार्ट के लिए बताइए। वैल्यू पीसीयू वैल्यू फॉर स्मॉल बुलक कार्ट, पीसीयू वैल्यू फॉर स्मॉल बुलक कार्ट। सिक्स, वेरी गुड। तो दिस इज वैल्यू इज 6। मैंने उल्टा सीधा पूछ रहा हूं इसलिए धरा जा रहे हो। हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए बताइए तांगा, हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए बताइए। अच्छा आप प्लस स्टूडेंट है और आपका जियोटेक्निकल यूट्यूब से देख रहा हूं, क्यों ऐसा? हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए कोई 5 लिख रहा है, कोई 6 लिख रहा है, कुछ भी वाहियात नंबर लिखे जा रहे हो। 4 होता ही है। मतलब लार्ज बुलक कार्ट के लिए बताइए। मैं पूछ रहा हूं लार्ज बुलक कार्ट के लिए नंबर बताइए। फोर, अच्छा 8 होता है ये नंबर। तो मैंने आड़ा तेड़ा पूछा है ऊपर नीचे इसलिए आपको धरा जा रहे हो। हॉर्स ड्रिवन व्हीकल ऊपर आता है, स्मॉल बुलक कार्ट नीचे, उसके बाद फिर लार्ज बुलक कार्ट, ऐसा होता है 4, 6, 8 ऐसे याद रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज। देखिए क्वेश्चन और आंसर बताइए। क्या आ रहा है, क्या आंसर है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। 1 in 30 इज द राइट आंसर, 1 in 30 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट फॉर इन अ प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन। ठीक है, तो एज पर IRC रिकमेंडेशन द वैल्यू फॉर द रूलिंग ग्रेडियंट इज 1 in 30। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू जो होगी वो 1 in 30 होगी। ठीक है, हम देखते हैं ये वैल्यू होती है 3.33%। बोलो हाँ सर याद है, 3.33% याद है, सब लोगों को याद है रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 3.33% लिखवाते हैं हम लोग, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अच्छा ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। मतलब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो मेरे को बताएंगे एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज 20 मीटर द बेसिक कैपेसिटी। ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब।
बताइए क्या आंसर आ रहा है। डी बोला है किसी ने, किसी ने सी बोला है। लास्ट 7 seconds। समय समाप्त, समय समाप्त। चलिए आइए बात करते हैं, ए और सी सेम है। अच्छा ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला देखो जरा, यहाँ पे बोला है अगर कभी भी आपसे बेसिक कैपेसिटी की बात करेगा तो बेसिक कैपेसिटी मतलब क्यू की बात करता है, ये ट्रैफिक वॉल्यूम की बात कर रहा है। एग्जैक्टली बेसिक कैपेसिटी मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम, और ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब होता है व्हीकल पर आर। ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब होता है व्हीकल पर आर। और जब भी ये बेसिक कैपेसिटी की बात करता है तो हम इसको बोलते हैं इट इज 1000 V/S के बराबर। जब भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या स्पेस हेडवे भी बोल सकता था। इस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को ये एक और नाम बोल सकता था, स्पेस हेडवे। इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ये स्पेस हेडवे भी बोल सकता था। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है अगर वो स्पेस हेडवे बोल देता है। तो इट इज 1000 V/S के बराबर। तो क्यू इज इक्वल टू 1000 V/S के बराबर। तो यहां से अगर वैल्यू देखोगे तो क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, मतलब इट इज 1000 V का वैल्यू कितना है, मतलब V का वैल्यू इज कमिंग आउट एज 50 डिवाइडेड बाय S, S का वैल्यू कितना है 20। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, बोला यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बोला ये वैल्यू कितना हो गया 500, तो 5 5 25, इट इज कमिंग आउट एज 2500, इट इज कमिंग आउट एज 2500 व्हीकल पर आर के बराबर। मतलब दिस इज कमिंग आउट एज 2500 व्हीकल पर आर के बराबर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोला 2500 व्हीकल पर आर के बराबर। कौन सा ऑप्शन सेम है बताओ, कौन बोल रहा था कौन सा ऑप्शन सेम है, कौन बोल रहा था कौन सा ऑप्शन सेम है। भाई यहाँ 2500 व्हीकल पर डे लिखा हुआ है, इधर 2000 व्हीकल पर आर, यहाँ पे 2500 व्हीकल पर आर, यहाँ 1000 व्हीकल पर आर, चार ऑप्शन डिफरेंट है। आंख खोलो, नींद आ रही है तो पानी मार के आओ आंख पे, ठीक है, नींद आ रही है तो पानी मार के आओ आंख पे, और जल्दी से पहले सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, बोलना बंद कर दिया है तो लाइक करना बंद कर दिया है। 12-12 बजे तक पढ़ाओ इनको, एक दिन में 7 घंटे पढ़ाओ तो भी नहीं लाइक करना है, पता नहीं क्या ही तो करना चाहते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये लीजिए, अगला अगली बात करते हैं। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बोला गया द ट्रांजिशन कर्व इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर रिकमेंडेशन इज। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए द ट्रांजिशन कर्व। अब समय शुरू होता है, अब आपके पास 30 सेकंड है। समय समाप्त आपका, आपका जो करेक्ट आंसर है, आपका जो करेक्ट आंसर है, देखो जरा यहाँ पे, द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन इज गिवन एज स्पाइरल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर स्पाइरल। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व। रिपीटेड क्वेश्चन 20 सेकंड में आंसर करना है, रिपीटेड क्वेश्चन 20 सेकंड में आंसर करना है। सब लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, 20 सेकंड में आंसर करेंगे। समय समाप्त। सी इज दी आंसर। सी लिखा है कुछ लोगों ने, मुक्का खाओगे, मुक्का, सच बोल रहा हूं। सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व, द प्रेशर ऑन द आउटर व्हील विल बी सी लिख रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, शांति गणेश, ब्रिजेश सिंह, रिजु दास। अबे सुनो मेरी बात, गलत लिख रहे हो अगर सी लिख रहे हो तो। ठीक है, कल ही समझाइए ये बात, सुनो
ये देखो, मैंने बोला देखो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, ये देखो, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कर्व। कल हमने किसको बिठाया था इसमें? कल हमने निमिषा को बिठाया था इसमें, है ना? किसको बिठाया था? पता नहीं, प्रियंका को बिठाया था शायद। मैंने चलो आओ, आज किसको बिठाते हैं? ब्रिजेश को बिठाते हैं। ब्रिजेश ने सी लिखा था, है ना? ब्रिजेश को बिठाते हैं। आओ बेटा बैठो इसमें, गाड़ी में बैठो, जरा तुमको आज दर्शन कराते हैं। मैंने देखो गाड़ी में बैठ गए, मैंने किस वेलोसिटी से जा रहा है? सर वी वेलोसिटी से जा रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है। ठीक है सर, मैंने वेलोसिटी, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मैंने मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मैंने वेलोसिटी बढ़ाओ, वी बढ़ाओ। तुमने बढ़ाना, तुमने मेरे से बोला सर वी बढ़ाओ, मैंने वेलोसिटी और तेजी से गाड़ी निकाली, तुम लोग और तेज करो, मैंने और तेज करी, तो तुमने देखा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये गाड़ी आपकी इस साइड ओवरटर्न हो जाएगी, हो जाएगी गाड़ी यहाँ पे ओवरटर्न हो जाएगी ऐसी, और जब गाड़ी यहाँ पे ओवरटर्न होने वाली होगी तो आपका ये टायर पहले उठेगा जो तुम्हारी साइड था। तुम्हारे ऊपर जाने के चांसेस मेरे ऊपर जाने के चांसेस से ज्यादा होते हैं, है ना? क्योंकि ये टायर पहले उठ रहा है, तुम्हारी साइड वाला टायर पहले उठ रहा है, तुम्हारी साइड वाला टायर पहले लीव करेगा जमीन को, और इस टायर पे प्रेशर ज्यादा रहेगा तभी तो ये वाला टायर लीव कर रहा है। इसका मतलब है आप जब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो, ये जो इनर टायर है वो धरती से ऊपर उठते जा रहा है और इस पे लोड बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है आउटर टायर पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है आउटर टायर पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब भी आप एक हॉरिजॉन्टल कर्व जिसमें कोई भी सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया है उसमें आउटर टायर पे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। तो मैंने बोला जब भी सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में प्रेशर ऑन दी आउटर व्हील विल बी मोर देन दी प्रेशर ऑन दी इनर व्हील। बी इज द आंसर। कोई लोग सी लिख रहे थे, कल मुझे ही बिठाया था, जब तुमको ही बिठाया था तो फिर क्यों तुम आज फिर से गाड़ी में बैठना चाहते थे? तुमको नहीं समझ में आया कल? तो ये है बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए अगली बात करते हैं, चलिए आइए अगली बात करते हैं। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो मैंने बोला देखो शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द एज ऑफ द रोड शुड बी, आपका समय शुरू होता है अब, का समय समाप्त होता है अब, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने करेक्ट आंसर किया है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आपसे बात करेगा, जब भी आपसे बात करेगा किसके बारे में, मैंने जब भी आपसे बात करेगा शोल्डर के बारे में, द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी। जब आप रोड एज में जो शोल्डर प्रोवाइड करते हो यह होता है आपका कैरिज वे। इस कैरिज वे के पास में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस कैरिज वे के पास में हम जो प्रोवाइड करते हैं उसको शोल्डर बोलते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है क्या, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर लो लोड बियरिंग कैपेसिटी भी तो होती होगी सर, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी भी तो लो होती होगी। मैंने बोला बेटा जब इसको बनाया जाता है तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी तो सेम बनाई जाती है। क्यों सेम बनाई जाती है सर? वो सेम इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप यहां पर भी गाड़ी ला सकते हो, इसको ही तो इमरजेंसी लेन बोलते हैं, इसको ही तो इमरजेंसी लेन भी बोलते हैं। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी तो सेम होती है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेम कलर नहीं, आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा सेम कलर का ब्लैक टॉप पेवमेंट, यहां पे सेम कलर नहीं देखा। स्मूदर देन दी ट्रैफिक लेन, अगर ये स्मूद होता इससे तो लोग यहां चलते, यहां नहीं चलते, तो लोग यहां चलते, और जो कि चलते कई बार रोड खराब होने पर शोल्डर पर ही चलना प्रेफर करते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रिजिड पेवमेंट फ्रिक्शनल स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन, आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब।
देखो जरा क्वेश्चन, आंसर करो। ठीक है, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया? सब लोगों का ए बी में से कुछ कुछ आ गया है, ऐसा कैसे? ठीक है, बी लिखा है किसी ने, किसी ने ए लिखा है। चलो अब बात करते हैं, चलो अब बात करते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो जरा यहां पे क्या बात कर रहे हैं, तो देखना जरा यहां पे क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने ये बोल रहा है, इन रिजिड पेवमेंट द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द टॉप ऑफ द फाइबर ऑफ द पेवमेंट, बॉटम ऑफ द फाइबर ऑफ द पेवमेंट स्लैब, मिडिल फाइबर ऑफ द पेवमेंट स्लैब। चलो और चेक करते हैं। मैंने बोला जब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला ये चेक करो, मैंने ये है आपका पेवमेंट, मैंने ये है आपका पेवमेंट, मैंने हम बात कर रहे हैं समर की बात करें, फ्रिक्शनल की बात करना चाहते हैं ना, तो हम समर सीजन की बात करते हैं। जब हम समर सीजन की बात करते हैं, जब हम समर सीजन की बात करते हैं ठीक है, जब हम समर सीजन की बात करते हैं, तो मैंने बोला देखो समर सीजन में क्या होता है, ये ट्राई करता है एक्सपांड करने का, और जब ये एक्सपांड करने की कोशिश करता है, तो मैंने बोला जो स्ट्रेस आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस, वो ऐसा देखने को मिलता है। तो हमने क्या बात करी, ना तो इसके मिडिल पे आया है, ना इसके टॉप फाइबर पे आया है, ना बॉटम पे आया है, तो फिर कहां आया, इसके सेंटर पे देखने को मिला मैक्सिमम स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। ये कब की बात करी, समर सीजन में बात करी है, जब ये एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा था। मतलब अगर विंटर में भी बात करते तो भी सेम बात करते, विंटर में बात करोगे तब भी ये मैक्सिमम स्ट्रेस आपको जो देखने को मिलेगा वो यहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि तब ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस मैक्सिमम एट द सेंटर। ठीक है, ठीक सर, तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये लीजिए, टायर प्रेशर इन्फ्लुएंस दी, टायर प्रेशर इन्फ्लुएंस दी, आपका समय शुरू होता है अब। टायर प्रेशर किसको इन्फ्लुएंस करता है, आपका समय शुरू होता है अब। टायर प्रेशर वाला बताइए, जल्दी से बताएंगे, टायर प्रेशर इन्फ्लुएंस दी, किसको इन्फ्लुएंस करता है टायर प्रेशर? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सी करा है, सी आंसर गलत है, सी आंसर गलत है, सी करा है बहुत सारे लोगों ने, सी आंसर गलत है। टायर प्रेशर कभी भी टोटल डेप्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में बात नहीं करता है, टायर प्रेशर कभी भी टोटल डेप्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में नहीं बात करता है। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, सबको जाके देखो एक बार, सबको जाके देखो एक बार। जब आप मान लो जीआई इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जीआई इंडेक्स में क्या आपने थिकनेस निकालने के लिए कभी ऊपर टायर प्रेशर की बात करी थी? नहीं, मैंने सीबीआर मेथड में नहीं बात करी थी, सीवीआर में नहीं बात करी थी, तो आपने किसी में बात नहीं करी। तो मैंने, ये किसको डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ सर्फेस कोर्स की बात करता है, ये किसकी बात करता है, क्वालिटी ऑफ सर्फेस कोर्स की बात करता है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, छोड़ो इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करना है। आईड से रिकमेंड द वार्निंग्स, वार्निंग साइन इज एक्सप्रेस्ड बाय, किससे वार्निंग साइन को एक्सप्रेस किया जाता है, जल्दी से आंसर बताएंगे 32, जल्दी से आंसर बताएंगे 32, वार्निंग साइन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वार्निंग साइन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जल्दी से बताइए मेरे को, वार्निंग साइन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, सोच रहे होंगे ना आपकी मम्मी कि इतनी रात में कौन पढ़ाता है और इतनी रात में तुम लोग पढ़ कैसे रहे हो, शायद ये हो सकता है,
क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि रात में पढ़ते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि इतनी रात में कौन पढ़ा रहा है, झूठ बोल रहे हो तुम, पढ़ नहीं रहे हो, और जब फोन देखते तो पढ़ते रहते हैं। हम लोग तो लेट नाइट मैराथन भी लेते हैं ना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, 32 का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वार्निंग साइन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैंने बोला वार्निंग साइन जो है आपका वो एक्सप्रेस किया जाता है ट्रायंगल के फॉर्म में, ट्रायंगल ऑन द टॉप। तो वार्निंग साइन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, बोला वार्निंग साइन ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, वार्निंग साइन ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो वार्निंग साइन ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है जैसे कि आपको बोला गया है राइट टर्न अहेड, अगर आपको बोला है कि सीधा राइट टर्न है आगे, तो आपको राइट टर्न अहेड ऐसे ऐसे शो किया जाएगा, राइट टर्न अहेड वार्निंग साइन, ठीक है, राइट टर्न अहेड। इसलिए तो चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन द बिटुमेन इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इट्स, ठीक है। आपको ये बताना है कि पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, आपको ये बताना है पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करिए, आपसे जब भी बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में, तो बिटुमिन के पेनिट्रेशन टेस्ट का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है कि हम लोग ग्रेड की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेड ऑफ बिटुमिन पता करना होता है तो पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग वो जो बात करते हैं वो हम लोग किसकी स्केल की बात करते हैं, आपको पता हो 1/10 स्केल की बात करते हैं, तो 1/10 स्केल में बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं जैसे आपने देखा होगा 80/100, 40/60 ऐसे करके देखा है आपने। तो जो हम जब भी पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो ग्रेड पता करते हैं कि किस ग्रेड का बिटुमिन आप यूज कर रहे हो। तो आपने करेक्ट फॉर्मेट देखा, सी ग्रेड की बात करी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों ने बात करी, यहां पे देखिए IRC रिकमेंडेशन फॉर द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, 1000 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आपने, आपने 1000 बार आंसर किया है इसके बारे में, एक हजार बार आपने आंसर किया है इसको, तो बस 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, दैट इज आंसर इज 2.44, बताने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रोडवे, अरे भाई साहब कल का ही क्वेश्चन है ये, तो कल का ही क्वेश्चन है ये, तो है ना कल का क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं जितने लोग कल नहीं कर पाए थे वो आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे इसका आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे आंसर क्या है, 20 सेकंड्स, फिर से 20 सेकंड्स है, 20 सेकंड में आपको आंसर करना है, जल्दी से 20 सेकंड में आंसर करना है आपको, ये लीजिए 20 सेकंड ओवर, बहुत बढ़िया। जो लोग कल नहीं देख पाए थे उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जो लोग कल नहीं देख पाए थे इस बात को वो लोग आज देख लो, कैसे देख रहे हैं हम लोग इन चीजों को, तो कैसे देख रहे हैं, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, उसने बोला रोडवे विड्थ को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, उसने बोला रोडवे विड्थ को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शोल्डर विड्थ को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैरियज वे को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब कैरियज वे ये रहा आपका, ये रहा कैरियज वे, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब ये रहा शोल्डर, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये रहा शोल्डर, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, टोटल होता है, ये होता है रोडवे, याद रखना सब लोग, है ना, रोडवे बोलते हैं इसको, रोडवे बोलते हैं। तो रोडवे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरियज वे प्लस शोल्डर्स, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें गलती करते हैं, तो मेक श्योर आप ना कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े लोग, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, आप नहीं कर रहे होगे। तो मैंने बोला ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 2s के बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 2s के बराबर हो जाएगी, सी इज द आंसर, B is equal to W plus 2S के बराबर। बहुत मजा आ रहा है, क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा प्रणव मिश्रा, क्रैश कोर्स नहीं लाऊंगा, फुल कोर्स ही लाऊंगा रेलवे एयरपोर्ट का, और ऐसा गजब कोर्स लाएंगे ना कि आपको फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं अगर 4 से 5 नंबर का पूछा जाए, 4 नंबर का जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 से 4 नंबर का आपका एयरपोर्ट रेलवे आएगा, लेकिन हम जितना फुल कोर्स करेंगे उसी में से आएगा पूरी बातें, ठीक है। तो आपको उसके लिए परेशानी नहीं होना है,
वो तो हम करेंगे ही करेंगे कुछ भी हो जाए, और वो गेट के पहले नहीं, डीएफ ये आपका जो भी है यूपीपीएससी एग्जाम है उसके पहले करेंगे, क्योंकि रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट परेशान हो उस चीज के लिए। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। तो ये देखिए जरा यहां पे, ऑन राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, एक सेकंड में आंसर आता है इसका, एक सेकंड में आंसर आता है, याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, जल्दी से बताइए आंसर। जल्दी से बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, तो अगर हमने बोला ऑन राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विद टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, टेक्निकल रंगोली याद है सब लोगों को, टेक्निकल रंगोली अगर नहीं याद है तो एक सेकंड में बना सकते हैं हम उस टेक्निकल रंगोली को। तो देखो जरा यहां पर टेक्निकल रंगोली बना के बताते हैं, 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं, किसी भी दिन बना देना, जब भी कोई भी बात करेगा आपसे इंटरव्यू में भी उसको बना के बता देना कि यार देखो सर हमसे बस ये वाली बात ना करना, क्योंकि सर हम तो प्रतीक सर के स्टूडेंट हैं, सर हम तो सर टेक्निकल रंगोली बनाते हैं, हमको तो सिर्फ यही पता है, तो इसको बोलते हैं हम टेक्निकल रंगोली। मैंने इसका नाम टेक्निकल रंगोली क्यों रखा है, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है, वो पिछले दो तीन साल से शायद मेरे को हर बार दिवाली पे अपने घर पे यही रंगोली बनाता है और मेरे को फोटो भेजता है, हर बार यही रंगोली बनाता है और मेरे को फोटो क्लिक करके भेजता है कि सर मैंने हर बार टेक्निकल रंगोली बनाई, तब से मैं इसको नाम टेक्निकल रंगोली दिया है। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे देखो जरा यहाँ पे कैसे देख रहे होंगे, तो हम ऐसे देखते हैं पॉइंट्स को, ऐसे देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे देखते हैं, ये लोग इधर जा रहे होंगे, मतलब ये लोग इधर आ रहे होंगे, मतलब ये लोग इधर जा रहे होंगे, मैंने बोला ये लोग इधर आ रहे होंगे, ठीक है सर, मतलब ये रहे चार क्रॉसिंग के पॉइंट्स, ये रहे चार क्रॉसिंग के पॉइंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है सर, ये चार पॉइंट्स हो गए, ये चार पॉइंट हो गए। ठीक है, मतलब अब हम मानते हैं लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक की बात करते हैं, तो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक जो आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक जो आपको दिख रहा होगा वो ऐसा दिखता है, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक इज दिस, दिस इज योर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, ये पॉइंट, मैंने बोला दिस इज योर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, दिस पॉइंट, मैंने बोला दिस इज योर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, दिस पॉइंट, मैंने दिस इज योर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, दिस पॉइंट। ठीक है सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैंने अभी और बात करते हैं, मैंने राइट टर्निंग ट्रैफिक की बात करते हैं, तो मैंने लगा इसका राइट टर्निंग ट्रैफिक दिखाएंगे, तो राइट टर्निंग ट्रैफिक अगर हम दिखाएंगे इसको, तो ये लोग यहाँ से जा रहे होंगे और ये लोग यहाँ जाना चाहते हैं, ये रहा एक पॉइंट, मैंने एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, अभी नंबरिंग दे देंगे एक साथ, परेशान नहीं होना है, मैंने यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मैंने एक और पॉइंट की बात करते हैं, राइट टर्निंग ट्रैफिक की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टर्निंग ट्रैफिक मतलब ये लोग यहाँ जाना चाहते हैं, अगर ये राइट टर्निंग ट्रैफिक है, ये लोग यहाँ जाना चाहते हैं, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है सर, मैंने और बात करते हैं राइट टर्निंग ट्रैफिक की, आ जाओ, मैंने राइट टर्निंग ट्रैफिक, ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, ये लोग यहाँ जाना चाहते हैं, तो अगर ये लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो इनको यहाँ भेज दो, तो मैंने ये लीजिए भेज दिया, ये लोग यहाँ आए, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ, हाँ ठीक है, मैंने और कौन कहाँ जाना चाहता है, मैंने इन लोगों को भी तो यहाँ भेजना पड़े, कौन से लोग कहाँ जाना चाहते हैं, भूल गया मैं, ये लोग यहाँ जाना चाहते हैं, ये लोग यहाँ आ रहे थे, ये लोग कहाँ जा रहे थे, हाँ ये लोगों को भी तो यहाँ जाना है, राइट टर्न होता है, तो मैंने इनको यहाँ जाना है, तो ये लीजिए ये लोग यहाँ जा रहे हैं, तो मैंने ये लोग यहाँ जा रहे हैं, ये लोग यहाँ आ रहे हैं, ये लोग यहाँ जा रहे हैं, और बस हो गए, सारे कर्व बन गए, सारे कर्व बन गए। चलो वो पॉइंट्स चेक करते हैं, चलो वो पॉइंट्स चेक करते हैं, चलो वो पॉइंट्स चेक करते हैं मेरे साथ, मैंने देखो जरा यहाँ पे, ये था वन पॉइंट, मैंने पॉइंट चेक करना मेरे साथ, ये था वन, ये था टू, ये था थ्री, ये था फोर। ठीक है सर, मैं बोलू आगे, मैंने ये था फाइव, मैंने ये पॉइंट था सिक्स, मैंने ये पॉइंट था सेवन, मैंने ये पॉइंट था एट, मैंने ये पॉइंट था नाइन, मैंने ये पॉइंट था टेन, मैंने ये पॉइंट था इलेवन, ये पॉइंट था ट्वेल्व, ये पॉइंट था थर्टीन, ये पॉइंट था फोर्टीन, ये पॉइंट था फिफ्टीन, ये पॉइंट था सिक्सटीन, सोलह पॉइंट हो गए, सोलह पॉइंट हो गए। मैंने बोला अब यहाँ पे देखना, ये जब यहाँ पे आ रहा है
तो ये है 17, मतलब जब ये यहां टकरा रहा है बोला 18, मतलब ये जब यहां टकरा रहा है 19, ये जब यहां टकरा रहा है 20, चार पॉइंट बचे, मतलब ये देखो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक यहां टकराया 21, ये लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक यहां टकराया 22, ये लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक यहां टकराया 23, और ये लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक यहां टकराया 24, इन चार ट्रैफिक के अलावा कुछ भी नहीं बचा आपके पास टेक्निकल रंगोली। बोलो क्या कहते हो, बना दोगे जिस भी दिन मन होगा जहां पर भी मन होगा, क्या कहते हो? ये रहा आपका टेक्निकल रंगोली, जहां मन होगा वहां बना देंगे। बोला एक बार बोले तो बस कोई कि हाँ हमको बना के बताइए, ठीक है? तो है 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर, क्या कहते हो? परफेक्ट, ठीक है, तो 24 इज द राइट आंसर। अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो 24 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैक्सिमम अलाउेबल लॉस एंजलिस एबरेशन वैल्यू फॉर अ हाई क्वालिटी सरफेस एरिया, कम ऑन एवरीवन, लास्ट। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, देखो जरा यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने बोला इसका करेक्ट आंसर होगा सी, है ना, 30%। तो लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैंने लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू के हाई क्वालिटी सर्फेस कोर्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी इट इज 30%। थियोरिटिकल क्वेश्चन है, याद रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है सर। ये भी बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, द मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर अ नॉर्म नेशनल हाईवे ऑन अ प्लेन टेरेन इज, मिनिमम रेडियस की बात करिए भाई साहब, बताइए जरा क्या आंसर होगा, मिनिमम रेडियस की बात करिए, मिनिमम रेडियस की बात करिए। तो मिनिमम रेडियस जो हम कंसिडर करते हैं 60 कंसिडर करते हैं, मैंने जो मिनिमम रेडियस आप कंसिडर करते हो वो 60 मीटर कंसिडर करते हो, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर कॉन्क्रीट पेवमेंट इज, जरा बताइए, मिनिमम वैल्यू की बात करिए, मिनिमम वैल्यू फॉर सुपर एलिवेशन, जल्दी से बताइए, मिनिमम वैल्यू फॉर सुपर एलिवेशन फॉर कॉन्क्रीट पेवमेंट, सुपर एलिवेशन की मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे, मिनिमम वैल्यू फॉर सुपर एलिवेशन जल्दी से बताएंगे। क्या आंसर आ रहा है? ए बोल रहे हैं कुछ लोग ए बोल रहे हैं। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से आंसर करना। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। चलो आओ तुमको एक गजब की बात बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को और मेरे को बताओ कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को और मेरे को यह बताना है कि कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है। तो मेरे को यह बताओ कि ई मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है, मेरे को यह बताओ ई मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो आपको पता है, यह बात बहुत अच्छे से पता होनी भी चाहिए कि ई मिनिमम की वैल्यू कैम्बर के बराबर होती है। बोलो हाँ होती है सर। ई मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है? ई मिनिमम की वैल्यू कैम्बर के बराबर होती है। कितने लोगों को यह बात पता है कि ई मिनिमम की वैल्यू कैम्बर के बराबर होती है? अगर आप सब लोगों को यह बात पता है कि ई मिनिमम की वैल्यू कैम्बर के बराबर होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर कितना होता है। तो आपको यह बात पता है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो आप बोलते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर इज 2% के बराबर। मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर इज 2% के बराबर, ठीक है सर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर इज 2% के बराबर। अगर ये मिनिमम वैल्यू कैम्बर 2% के बराबर है, तो इससे कम कोई वैल्यू होती है? हाँ सर एक होती है, लेकिन सर ये तो प्लेन रोड के लिए बात कर रहा है, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए बात करिए, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए बात करिए। हाँ तो यहां पे देखो जरा, यहां पे ये मिनिमम वैल्यू होती है किसके लिए? जब हम हाई रेनफॉल के लिए बात करते हैं, लो रेनफॉल के लिए बात करते हैं। तो मैंने बोला हाई रेनफॉल तो ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है ये 2% है,
और मैंने बोला इसके लिए जब आप बात करते हो तो ये वैल्यू कितनी आती है 1.7%। क्या इससे छोटी कोई और वैल्यू होती कैम्बर की? नहीं होती। तो मैंने बोला मिनिमम वैल्यू कोई कैम्बर सुपर एलिवेशन के लिए पूछ सकता है तो वैल्यू होती है 1.7%। और अगर हम इस 1.7 को देखते हैं तो हम बोल रहे हैं 1.7 डिवाइडेड बाय 100 बोला हमने, तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, मतलब 1 in 60 आएगा यहां से आंसर, 1 in 60 आएगा। तो ए वुड बी योर आंसर, 1.7% की बात करिए तो ए वुड बी योर आंसर। तो इससे मिनिमम नहीं हो सकता ना कुछ, इससे भी मिनिमम कौन है, इससे मिनिमम ये है, तो फिर और मिनिमम क्या हो सकता है, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता है। तो ई कैम्बर, अगर ई मिनिमम की बात करिए तो वो कैम्बर के बराबर है, और मिनिमम कैम्बर की वैल्यू की बात करिए तो दैट इज 1.7%। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1 in 60, करेक्ट आंसर इज 1 in 60। करेक्ट आंसर इज 1 in 60। ठीक सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखा हुआ है कल, ट्रैफिक डेंसिटी देखा हुआ है कल, ठीक है। एक्सपांशन जॉइंट इन अ सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट इज प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ, सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर है। इसको मत सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करो। फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द व्हील लोड, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन। ये लीजिए आपका समय शुरू होता है अब, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। सर डेटा खत्म हो गया, बस 5 मिनट और चलाएंगे, 50 क्वेश्चन तक देखेंगे और फिर छोड़ देंगे। 5 मिनट और दीजिए, क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सी मार्क किया सबने, सी इज द करेक्ट आंसर, थ्रू अ सेट ऑफ लेयर ऑफ सबग्रेड, है ना। मैंने बोला अगर आपसे फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करता है तो आप क्या बात करते हो, फ्लेक्सिबल पेमेंट की अगर कभी भी आपसे बात करेगा तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है इट इज ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट में यह बात करता है तो यह हमारा क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं किसका, रिजिड पेवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिजिड पेवमेंट में आपको ये कैसे देखने को मिलता है, मैंने लगा ये स्लैब एक्शन देखने को मिलेगा, मैंने ये कैसे देखने को मिलेगा, स्लैब एक्शन देखने को मिलता है। तो यहां पे बोला है थ्रू अ सेट ऑफ लेयर्स टू दिस सबग्रेड, वेरी गुड, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ टेरेन मे बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन, वेरी गुड। ये बात मैंने आपसे आज तक नहीं बोली है यूट्यूब पे, मैंने आपसे ये बात यूट्यूब पे नहीं बोली है, हम लोग कीड़े बन जाते हैं। ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर, ठीक है, ये बात मैंने अभी तक आज तक यूट्यूब पे नहीं बोली है। तो देखो जरा इसका क्या आंसर है, ये बात मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं बोली है। समझ रहे आप, क्या आंसर है, क्या आंसर है? बहुत सारे लोगों ने बी आंसर किया, बहुत सारे लोगों ने ए आंसर किया। चलो मैं बता देता हूं क्या होता है। मैंने देखो जरा यहां पे टेरेन में भी क्लासिफाइड है, टेरेन को कैसे क्लासिफाई किया, सॉरी, टेरेन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ, मैंने बोला देखो जरा यहां पे टेरेन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है रोलिंग टेरेन में, मतलब मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देता हूं कि अगर आपसे कभी भी बोलेगा तो, अगर आपसे प्लेन टेरेन बोलेगा, अगर आपसे प्लेन टेरेन बोलेगा तो, अगर आपसे प्लेन टेरेन बोलेगा तो ये वैल्यू शुड बी लेस देन 10%, ये वैल्यू लेस देन 10% होगी। अगर आपसे ये रोलिंग टेरेन बोलेगा, अगर आपसे ये रोलिंग टेरेन बोलेगा तो ये वैल्यू 10% से 25% के बीच में लाया करती है। मतलब अगर आपसे कभी भी ये स्टीप टेरेन बोलेगा, तो अगर कभी भी आपसे स्टीप टेरेन बोलेगा तो ये वैल्यू 25 से 50% के बीच में लाया करती है। जनरली ये वैल्यू 60% लिखी हुई दिखेगी आपको।
और मैंने बोला जब भी ये माउंटेनियस टेरेन की बात करेगा, जब भी ये माउंटेनियस टेरेन की बात करेगा तो माउंटेनियस टेरेन में ये ग्रेटर देन 60% आपको देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन 60% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, मतलब इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10-25%, ये होगा आपका करेक्ट आंसर बी। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। IRC रिकमेंडेटेड कैम्बर फॉर वाटर बाउंड मैकेडम सरफेस वुड बी, कैम्बर फॉर वाटर बाउंड मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं 3-4, है ना। सही आंसर क्या है? मोर देन 60। बताइए जरा इसका करेक्ट आंसर क्या है? एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कैम्बर द कैम्बर ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम सरफेस शुड बी क्वेश्चन मार्क। स्पेशल क्लास पे बोला है मैंने, यूट्यूब पे नहीं बोला है। स्पेशल पे तो ऑब्वियसली स्पेशल कंटेंट ही देते हैं ना हम लोग, तो स्पेशल पे तो बोला ही होगा। बी इज द राइट आंसर, तो आप तो जानते हो इस बात को, तो आप ऐसे लिख सकते थे, बस आप कैम्बर की वैल्यू लिखते हैं, आपके पास आ जाती चीज है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2%, 2.5%, 3%, 4%, मैंने यहाँ वैल्यू लिखते हैं 1.7%, बस हो गया 2%, यहाँ पे 2.5% और हो जाता है ये 3%। तो मैंने ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया कर रही, 3% से 4% के बीच में लाया कर रही है, खत्म हो जाता गेम। ठीक है सर, मैंने नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए जरा यहाँ पे रेल्स के बारे में बात हो गई, क्रॉसिंग के बारे में बात हो गई, द स्टीप ग्रेडियंट 25 ब्रॉड गेज के बारे में बात हो गई, टॉप ऑफ द रेल ट्रैक इज प्लेस्ड, नॉर्मली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट फॉर द डिजाइन सुपर एलिवेशन मिक्स ट्रैफिक इज रिड्यूस्ड बाय, ये लो इसका आंसर बताओ, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ऑलवेज यूज टू वॉच योर लेक्चर्स इन रिकॉर्डेड फॉर्म, ओके आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर टू हैव यू गाइज एज माई स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू गेट दी स्टूडेंट्स इन नाइट, एंड ईच एंड एवरी एजुकेटर आस्क मी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट स्टूडेंट्स आर सो मच इन टू यू, कि वो लोग रात में बुलाते हो तो रात में आ जाते हैं, आप मून नाइट लेते हो तो इतने इतने लोग रहते हैं, 100-100 लोग रहते हैं। तो मैंने बोला प्यार है ये तो। प्यार है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, करेक्ट है ये बात, है ना। तुम लोगों से कोई पूछेगा कि क्यों रात में अटेंड करते हो तो बता देना, प्यार है बस, पढ़ते हैं हम लोग अलग लेवल पे। ठीक है, ठीक, जलवा है आपका यहाँ। ठीक है, चलिए आइए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो चलिए आइए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, आपको ये बात पता है कि अगर आपसे मिक्स ट्रैफिक कंडीशन की बात करी जाती है तो आप क्या करते हैं, 0.75 times ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब कितना रिड्यूस किया है आपने, तो आपने वेलोसिटी को रिड्यूस किया 25% से। तो वेलोसिटी को कितने परसेंट से रिड्यूस किया, 25% से। एक्सप्रेशन लिख के पूछेगा कोई भी तो बता देना कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 to 25 R, है ना, ये है एक्सप्रेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। भीड़ से अलग होना है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए। थैंक यू एवरीवन। यार सर मैंने आपका ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट सर्वेंट ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है, ओके ठीक है, कभी लाइव भी करके देखो अच्छा लगेगा। चलिए आइए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, चलिए आइए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। तो 51 क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चंस। रेलवे वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो भी आएगा, तो हमारा रोज का टारगेट है 60, तो हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, ये तो देख लिया हम लोगों ने, द मिनिमम रेडियस समिट कर्व इज इक्वल टू, इसको नहीं देखते, द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व्ड इन शिफ्ट फुट रूलिंग, ठीक है, IRC मैक्सिमम डिजाइन नेशनल हाईवे ऑन अ प्लेन टेरेन, ये देख लिया हम लोगों ने, टेरेन ये भी देख लिया हम लोगों ने, सुपर एलिवेशन कॉन्स्टेंट अलॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 57th, देखिए 365 डेज विद प्रतीक सर, याद है सबको 365 डेज विद प्रतीक सर, अगर याद है तो मैं अपना टास्क पूरा कर रहा हूं,
मतलब आप देखोगे कि जैसे जैसे एक स्टूडेंट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए एग्जाम के टाइम, तो वैसे वैसे मेरा भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है आपको पढ़ाने का, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। मतलब आज की क्लासेस आप काउंट करोगे तो ऑन एन एवरेज मैंने 7 आवर्स पढ़ा दिया आपको आज। जिसने सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है उसने आज एनवायरमेंट भी पढ़ लिया और ट्रांसपोर्टेशन भी रिवाइज कर लिया। ठीक है, ठीक है, देख लो जरा क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से मेरे को देख के बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से मेरे को देख के बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है जल्दी से मेरे को देख के बता दीजिए। सी आ रहा है। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है चेक करते हैं। मेरा तो नहीं आ रहा है सी, मेरा तो सी नहीं आ रहा है, मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा मेरा सी नहीं आ रहा था। आपका सी कैसे आ रहा है? मेरा तो सी नहीं आ रहा है, मेरा सी नहीं आ रहा है, जल्दी से मेरे को देख के बताओ क्या आंसर होना चाहिए तुम्हारा। बोल रहा है द सुपर एलिवेशन ऑन अ ट्रैक रिमेन कॉन्स्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट लेवल हो गया है, ठीक है, बहुत ही जोरदार। सी नहीं है इसका करेक्ट आंसर, कुछ और है। एक बार और फिर सोचो, फिर करो क्वेश्चन को सॉल्व। सी नहीं है। इन क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी क्या? यस, जो मैंने आपको ग्रुप बताया यू ए प्रतीक सर, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा कल। जल्दी से बोलिए कैसे आएगा। ए बोला है, बहुत बढ़िया। ए जिसने बोला है उसका करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं, चलो और चेक करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आप में से जितने भी लोगों को देखना जरा यहां पे, जिन्होंने सी बोला है उन लोगों को बता देता हूं कि वो कैसे गलत हुए। मैंने बोला एक, जब भी आप कर्व की बात करते हो तो पहले आपको एक स्ट्रेट कर्व मिलता है, फिर आपको एक ट्रांजिशन कर्व मिलता है, फिर आपको एक सर्कुलर कर्व मिलता है, फिर आपको एक सर्कुलर कर्व मिलता है, फिर आपको एक ट्रांजिशन कर्व मिलता है, और फिर आपको एक स्ट्रेट कर्व मिलता है। तो हम बना देते हैं इसको। तो मैंने बोला ऐसा देखने को मिलता है, ये आपका स्ट्रेट कर्व है, ये आपका स्ट्रेट कर्व है, उसके बाद आपको ट्रांजिशन कर्व देखने को मिलता है, उसके बाद आपको सर्कुलर कर्व देखने को मिलता है, उसके बाद आपको सर्कुलर कर्व देखने को मिलता है, उसके बाद आपको सर्कुलर कर्व देखने को मिलता है, फिर से आपको ट्रांजिशन कर्व देखने को मिलता है, और फिर आपको स्ट्रेट कर्व देखने को मिलता है। ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने बोला जब आपसे सुपर एलिवेशन की बात करी गई है तो मैंने बोला ये कौन है, ये सर्कुलर कर्व है, ये कौन है सर्कुलर कर्व। मतलब जब आपसे ऐसी कुछ बातें की जाती है तो देखो सुपर एलिवेशन जो चेंज होता है वो इस तरीके से कुछ चेंज होता है। सुपर एलिवेशन जो चेंज होता है, बोला यहां तक तो कोई सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। यहां से जीरो से लेकर ट्रांजिशन कर्व में सुपर एलिवेशन चेंज होता है जीरो से लेके ई तक। मतलब इस ट्रांजिशन कर्व में सुपर एलिवेशन चेंज होता है जीरो से लेके ई तक, उसके बाद यहां पे कांस्टेंट रहता है सुपर एलिवेशन, कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद वापस से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई है? तो मैंने बोला यहां पे सुपर एलिवेशन, यहां पे कांस्टेंट रहता है ई, ये जो सुपर एलिवेशन है ई, ये कांस्टेंट रहता है सर्कुलर कर्व के ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि पूरे सर्कुलर कर्व में एक ही सुपर एलिवेशन पर गाड़ी मूव करानी है। और जैसे ही ट्रांजिशन कर्व खत्म होता है, या ट्रांजिशन कर्व जैसे ही खत्म होता है, ई की वैल्यू जीरो से कहां तक जाती है, सर्कुलर कर्व स्टार्ट होने के पहले ई हो जाती है, उसके बाद पूरा ई में कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद ई से कम होते होते वापस जीरो हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई है? ये नाइट क्लासेस कब तक चलेंगी? बस मतलब कब तक, मतलब डीएफसी ये आपका यूपीपीएससी तक चलेगी, जब तक हम सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये नहीं बात कर सकते हैं इसमें, हो गया आज का सारे क्वेश्चन खत्म हो गए आज के। तो आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। बुझा गया सर, ठीक है। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा आज भी, आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। 120 क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं, जिसमें से रेलवे के क्वेश्चन को हटा देते हैं, फिर भी हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं दो दिन में। तो दो दिन में जब हम 100 क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब हम आगे के क्वेश्चन देखने का स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग वापस से देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन, फिर से देखेंगे
तो ऐसे करते करते हम लोग फ्राइडे तक देखेंगे, फ्राइडे से फिर आप सोम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फ्राइडे से आप सोम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना चालू करना रेहान सर के साथ, तो रेडी कर लो आप तब तक। गेट और यूपीपीएससी साथ में कैसे करें? गेट और यूपीपीएससी साथ में नहीं किया जा सकता, कंसेप्ट से आप, मैंने तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको रटना पड़ेगी, कुछ बेसिक बेसिक बातें जैसे आपने देखे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा। सुकून वाली नींद आएगी, जरूरी है, सुकून वाली नींद आना चाहिए रोज, जब तक आपको तब तक नहीं सोना चाहिए जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि अब मैं सोऊंगा ना तो टेंशन फ्री होके सोऊंगी या सोऊंगा, तो वही वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो बस एक बार अगर ये वाली एक लत लग गई ना कि तभी सोएंगे जब मजा आना चालू होगा, तब तो फिर मजा ही मजा है लाइफ में, ठीक है? तो बस एग्जाम तक बस इसी तरीके से सोते रहो, मैं बोल रहा हूं करके कि ना सीन चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो डी गाइस, आई होप कल भी हम लोग सेम टाइम पे क्वेश्चंस को देखेंगे, और कल भी हम लोग इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, अराउंड 60 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे, तो कल भी मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम पे। तो चार दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको ऐसा फील हो कि हाँ अब ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आने पे आपसे यूपीपीएससी में तो बन जाएंगे, ठीक है? तो तैयार रहिएगा कल वापस से 10 बजे। कुछ स्पेशल क्लासेस के स्केड्यूल रहेंगे जो मैं आपको कल ही बता दूंगा, तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है? ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, मिलते हैं आप लोगों से कल, गुड नाइट। क्वेश्चन विद प्रतीक सर इज बेस्ट फॉर मी, थैंक यू पूजा, ठीक है, चलिए गुड नाइट गाइस, मस्त रहिए, एकदम दबा के प्रिपरेशन करिए अपना, और अपने ड्रीम्स को अचीव करिए, ये इंपॉर्टेंट है अभी करंट में, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो गुड नाइट गाइस एंड लव यू ऑल।